हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का ये मेन कोर सब्जेक्ट है, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसका सिलेबस जानेंगे हम हमारे आज की वीडियो में। ये आप लोगों के पास एज अ मेन कोर सब्जेक्ट होगा आपका DSC 3। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 3 होगा आपका मेन कोर में। तो इसका सिलेबस जानेंगे हम कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने के मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी क्लासेस वगैरह के बारे में भी बताऊंगी मैं आगे आपको। अदर सब्जेक्ट की क्लासेस डल रही हैं हमारे चैनल पे कुछ सब्जेक्ट्स की, बाकी सिलेबस में कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवा ही रही हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी एज सून एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, उसका सिलेबस जो है आपका DSC 1 जो था उसका मैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, हाँ, इसका सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का सिलेबस। नेक्स्ट में हमारा रह जाएगा एक और सब्जेक्ट DSC का, DSC नंबर 2 रह जाएगा हमारा आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी ही कवर करवा दूंगी। ये इस सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्योंकि फ़िलहाल ये सब्जेक्ट जो है वो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसका सिलेबस देख लेते हैं आगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द फर्दर अपडेट्स। राइट, तो चलो सबसे पहले देखो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट आपको कितना पढ़ने को मिलेगा। तो टोटल इसमें आपको 5 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे। नंबर्स ऑफ यूनिट हो गए आपके इसके टोटल 5। ठीक है, अब एक यूनिट में आप क्या क्या पढ़ोगे ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 1 रहेगा हमारा कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 चैप्टर्स रहेंगे। पहला चैप्टर आपका रहेगा ये जिसमें आप पढ़ोगे मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसमें आप, मैं एक और चीज़ बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यूनिट नेम क्लियरली बताऊँगी साथ के साथ, तो आप लोग जो है वह नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका यूनिट नंबर 1 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। इसमें आपको 2 अलग अलग चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर 1 में रहेगा आपका मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म। इसमें मेनली आप पढ़ोगे कॉलोनियलिज्म के बारे में, इसमें लिबरलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको बेसिकली इसमें, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। लेसन 1 रहेगा आपका उपनिवेशवाद पर मुख्य दृष्टिकोण, जिसमें आप पढ़ोगे बेसिकली उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है ना, उसके बाद उत्तर उपनिवेशवाद क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 1 में ही चैप्टर नंबर 2 रहेगा आपका जिसमें आप अप्रोचेस पढ़ोगे, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, मतलब भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण, मतलब क्या क्या अप्रोचेस है, क्या क्या दृष्टिकोण है इसके नेशनलिज्म को स्टडी करने के। ठीक है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको उस पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि जिसमें रहेगा आपका नेशनलिस्ट क्या होता है। ठीक है, नेशनलिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हम आपका राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी क्या होता है, उसके अलग अलग पॉइंट्स पढ़ोगे आप, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद इसी में पढ़ोगे आप इम्पीरियलिस्ट क्या होता है। ठीक है, इम्पीरियलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं साम्राज्यवादी। उसके बाद इसी में मार्क्सिस्ट के बारे में पढ़ोगे, मार्क्सिस्ट क्या होता है, ठीक है, मतलब मार्क्सवादी क्या होता है। और इसी में पढ़ोगे आप लास्ट में सबल्टर्न, सबल्टर्न क्या होता है, सबल्टर्न का मतलब है आपका निम्न वर्गीय जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में, चारों चीज़ों के बारे में आपको आपके इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके चैप्टर 2 का नाम रहेगा भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें पढ़ोगे आप मेनली राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय। ठीक है, ये रहेगा आपका यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 में हिंदी और इंग्लिश, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए जब क्लासेस मिलेंगे आपको। तो यूनिट 2 है आपका कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट।
मतलब जो भारत में औपनिवेशिक शासन था उसका वो क्या था और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे भारत में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम हमारे यूनिट नंबर 2 में। तो बेसिकली इसमें टोटल आपके चैप्टर्स रहेंगे ये 3, तीन अलग अलग चैप्टर हैं इसमें आपके। इन तीनों चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था औपनिवेशिक शासन का भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ोगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड द कॉलोनियल स्टेट, ठीक है, जिसमें मतलब है इसका आपका कि संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य, मतलब उस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या क्या थे और उसमें औपनिवेशिक जो राज्य थे उसमें क्या क्या हुआ था। उसके बाद इसी में आपको यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा बेसिकली कॉलोनियल आइडियोलॉजी के बारे में, कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, ठीक है, मतलब कि असभ्य मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा के बारे में, ठीक है, जिसमें उपयोगितावादी और मिशनरी के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देख ही रहे हैं, नोट डाउन वो भी करिएगा, हिंदी मीडियम के बच्चे भी साथ के साथ नोट डाउन करते चलिएगा, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें कि यूटिलियरियंस और मिशनरीज के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, कि यूटिलिटेरियंस क्या होता है, मिशनरीज क्या है ना, मतलब कि उपयोगितावादी और मिशनरी क्या होता है इसके बारे में बेसिकली। उसके बाद इसी में आप इसके यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी, ठीक है, कि मतलब ये जो कॉलोनियल रूल था इसने हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, उसके बाद इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी के में क्या क्या इम्पैक्ट डाले, ठीक है, मतलब कि कृषि भूमि संबंध, उद्योग और पारिस्थितिकी पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था इसका, ये भी पढ़ोगे आप इसी यूनिट नंबर 2 में। देन आता है हमारा यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में है आपका रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस के बारे में, ये कंप्लीट यूनिट रहेगा आपका, ठीक है, इसका मतलब सुधार और प्रतिरोध के बारे में, कि सुधार और प्रतिरोध क्या है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर में पढ़ोगे आप द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारे उसका वॉर हुआ था 1857 में, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके बारे में पढ़ाया जाएगा यूनिट नंबर 3 के सबसे पहले चैप्टर में। देन इसी में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 2 में मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, जो अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स हुए थे उस टाइम पे मेन में, ठीक है, प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में पढ़ोगे आप इसमें, अलग अलग टाइप के आंदोलन हुए थे उस टाइम पे, बहुत सारे हुए थे, ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ोगे। देन इसी में पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 3 में, यूनिट 3 के चैप्टर 3 में एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, मतलब शिक्षा और नए मध्यम वर्ग का उदय जब हुआ था तो उस टाइम पे क्या क्या सिनेरियोज बने थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। मैं देखो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपके सिलेबस का, बाकी जो डीप क्लासेस, जो डीप इंट्रोडक्शन है और जो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा जब क्लास निक्की मैम लेंगी, तब उस टाइम पे वो आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देंगी। फिलहाल मेरा ये बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी क्योंकि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, बच्चे परेशान थे अपने सिलेबस को लेके, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और किसी को कोई डाउट रहे तो वो मेरे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इसमें हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में भी अलग अलग चैप्टर्स होंगे आपके, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे आप इसमें। ये यूनिट नंबर 4 है बेसिकली आपका नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस, मीन्स कि राष्ट्रवादी राजनीति और उसके सामाजिक आधार का विस्तार, ये है आपका यूनिट नंबर 4। इसमें अलग अलग टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। पहले आप पढ़ोगे इसमें फेसेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ठीक है, उसके बाद स्वदेशी एंड द रेडिकल्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये पढ़ाया जाएगा, मतलब कि राष्ट्रवाद आंदोलन के चरण, जिसमें पढ़ोगे उदारवादी, संविधानवादी, उसके बाद स्वदेशी और कट्टरपंथी, मुस्लिम लीग का गठन, ये आपके टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। क्या है इस वाले जो यूनिट में से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के PDF प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को, बाकी वीडियोस भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो बाद की बात है, हम करवा देंगे। फिलहाल जो क्लासेस होगी उसमें ही आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। उसी के बाद इसी वाले यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में ही आप अगला चैप्टर पढ़ोगे, जिसमें पढ़ोगे आप गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन, ठीक है, जो गांधी जी और जन आंदोलन हुआ था उसके बारे में, जिसमें असहयोग आंदोलन हुआ था, सिविल डिसबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट,
ठीक है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसमें और भी अलग अलग टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना, वो सब आप यहाँ से देख लो। जब क्लास दी जाएगी उस टाइम पे, तो उस टाइम आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, है ना, अलग अलग टाइप के। इसमें आपको द टू नेशन थ्योरी उस टाइम पे बहुत फेमस हुई थी, है ना, नेगोशिएशन आवर पार्टीशन, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें। देन है आपका इसी में अगला यूनिट, यूनिट नंबर 5, जिसमें पढ़ोगे आप सोशल मोमेंट के बारे में। अब देखो, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, तो ये सब जब क्लास आपको मैम प्रोवाइड करेंगी ना, तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स थे, जैसे कि वर्कर एंड वुमेन मूवमेंट था, एंटी कास्ट मूवमेंट था, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे उस टाइम के। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा जब निके मैम क्लास देंगी, तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाएंगी। तो ये थे आपके टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट, टोटल 5 यूनिट जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है, ये टोटल आपके 5 यूनिट थे। 5 यूनिट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ये मैंने जूम ऑफ भी कर दिया है, आप लोग जो है चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। बाकी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको आपके सारे यूनिट समझा दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लग रहा हो या किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे से, तो आप लोग मेरे से डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वैसे टेलीग्राम में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट डाल दीजिए, अपनी क्वेरीज डाल दीजिए। जैसे ही फ्री होंगी मैं आपके डेफिनेटली कमेंट्स की रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपका जो ये सब्जेक्ट था बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।